लाइफ में शांति, खुशी और प्यार किसे नहीं चाहिए होता है? ऑफ कोर्स हर इंसान को ये मांगता है, पर मेरे केस में सब कुछ अरे जल्दी बोल, कल सुबह मैं नहीं निकलना है। सब कुछ उल्टा उल्टा तो नहीं बोल सकते, पर हाँ छिन जरूर गया। तो आज मैं सुनाने जा रहा हूं मेरी कहानी विद दीपक की जुबानी। वो दिन था August 22, 2018 जब मैं उससे मिला। किससे? उससे। क्यों, अच्छी लगी? हाँ बहुत, पर एक सेकेंड, हु आर यू? यू डोंट नो मी, मैं इस कॉलोनी की सबसे मशहूर लड़की हूँ और जिस लड़की को तुम एक घंटे से घूरे जा रहे हो वो मेरी बहन है। ओह एक मिनट, अरे कौन सा चाहिए? पर मैंने तो मांगा नहीं। अरे चूज एनीवन, काम की बात है। ओके ठीक है। तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी शक्ल देख के जान लेती हूँ तुम्हें क्या चाहिए। बाय द वे, डू यू लव हर? ये तो पक्का लवर फर्स्ट सेट है। तो कुछ किया या नहीं? मतलब? अरे मेरा मतलब है कि कुछ बातें वगैरह कुछ नहीं। तो बढ़िया है ना। सुनो मैं तुमको एक आइडिया देती हूँ, तुम एक अच्छा सा लेटर लिखो उनके लिए और मैं करती हूँ ना कुछ सेटिंग वगैरह, क्यों? ठीक है ना? हाँ तुम्हें घर जाके अच्छे से नहा दोगे, एक व्हाट्सएप में लेटर लिखूं? अरे पागल, ऐसे करोगे तो मारे जाओगे। क्यों, क्या हुआ? अरे देखो, तुम अगर उसको व्हाट्सएप में लेटर लिखोगे और वही लेटर को लेके वो अगर बाद में ब्लैकमेल करेगी तो अपने सेफ्टी के बारे में कुछ सोच लिया करो यार। सही बोले। सुनो मैं तुमको आइडिया देती हूँ, तुम एक अच्छे से पेपर में अच्छा सा लेटर लिखो, ठीक है, और उसमें अपना नाम मेंशन मत करना। फिर से बोलती हूँ, नाम मेंशन मत करना। पर वो जानेगी कैसे कि मैंने लेटर दिया? अरे मैं हूँ ना, मैं बता दूंगी उसे, मैं उसकी बहन हूँ, ठीक है? पर तुम्हारा नाम क्या है? दीपा, दीपक जोशी। गुड गुड गुड, सो कल मिलते हैं एट दिस प्लेस ओनली 7:09 AM, ठीक है? Thank you for doing this for me. अरे ठीक है, it's my pleasure. Okay, bye. Bye.
पक्का वो मान जाएगी? अरे बाबा मान जाएगी, 100% श्योर है। इतना श्योर कैसे? लुक, ये लेटर पढ़ने के बाद वो तुम्हारे बारे में क्यूरियस हो जाएगी और वो फिर आके मुझे बताएगी कि कौन है ये लड़का जिसको मैंने नहीं देखा, एंड फिर मैं बता दूंगी तुम्हारा नाम, एंड देन करते रहना डेटिंग वेटिंग चैटिंग वगैरह वगैरह। एक्चुअली मुझे भी पार्लर जाना है, सो कल मिलते हैं विद अ गुड न्यूज। ओके बाय। तुम्हारा काम हो गया, अब करो ऐश। क्या सही में? I can't believe this. Thank you so much. पर उससे पहले कुछ खिलाओ पिलाओ भी, या फिर ये भी बोलना पड़ेगा। हाँ जरूर, अब मेरा रूम यहीं पे है, आप वहाँ पे जाके वेट कीजिए, मैं आपके कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। चलिए for the meal. My pleasure. अच्छा मैं आपको लिफ्ट दे दूँ? नहीं नहीं, मैंने भैया को कॉल कर दें, वो भी आते ही होंगे। वो देखो आ भी गए भैया। हाँ कौन है वो? Brother, he's a friend of mine. अंग्रेजी में नहीं हिंदी में बोल। भैया ये मेरा दोस्त है और हम दोनों ग्रुप स्टडीज के लिए आए थे। मैं पूछा तेरे को, चल गाड़ी में बैठ। ये लेटर किसने लिखा? किसने लिखा बोल, किसने लिखा? लाओ बे डंडा ला। बहुत लिख रहा है ना, मजनू बन रहा है। हाँ मजनू। जा पकड़ उसको। बता किसने लिखा? बताता है या मार के टांग दूं यहाँ? मैंने लिखा। छोड़ इसे, चल बैठ यहाँ। लगा अपने बाप को कल, लगा।
लगा तो हेलो, आपका बेटा यहाँ पढ़ने के लिए नहीं, लड़की पटाने आया है। संभालो इसे और संस्कार सिखाओ पहले। आइंदा मेरे बहन के आसपास भी दिखाना, काट डालूंगा। भाग इधर से, भाग। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? वैसे मुझे तुमको मरवाने का प्लान तो नहीं था, बट उस दिन रात को सोने जा रही थी तब मैं उस लेटर को पढ़ा एंड पढ़ते पढ़ते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता नहीं चला, और आज मुझे जब भैया के पॉकेट से वो लेटर मिला। मतलब तूने लेटर भी नहीं दिया? नोप्स। सॉरी भी नहीं बोलेगी? तो ये थी मेरी कहानी। आज भी सड़ रहा हूं इस घर के जेल में। मेरा फ्रीडम, मेरा सपना, सब कुछ छीन लिया। और बचा क्या है? दुख, दर्द और पीड़ा। लेकिन इस लड़की का ऐसा ही चलता रहेगा। पता नहीं किसकी किस्मत फूटेगी अगली बार, कौन होगा उसका अगला शिकार। जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए सावधान, सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए, क्योंकि क्या पता अगला दीपक जोशी आप में से कोई